नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक मिश्रा टेक मिनट। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं DLF है, कैसी अभी परफॉर्म कर रही है उसके बारे में बात करेंगे, कैसा अभी करंटली इसका फाइनेंशियल कंडीशन नजर आता है वो भी चेक करेंगे और चार्ट पे भी बात करेंगे। काफी तगड़ा कंपनी का अभी इस टाइम पे परफॉर्मेंस ग्रोथ कर रहा है। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको मैंने आपको अपडेट किया था कंपनी को, तो मैंने अपडेट किया था और उसके साथ साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा। तो कंपनी एक अंडर वैल्यू से अभी एक जो है एक काफ़ी तगड़ी ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। 10 महीने के अंदर ही अंदर इसने इतना गजब परफॉर्म किया है। देखिए 19 अक्टूबर को हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को आए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड्स की अब जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस इसमें आपको दिखेगा कि 162 से अभी 400 रुपीस के अराउंड शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है, कितनी रैली के साथ। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर उस टाइम पे 4.5 जो है वो नेगेटिव में थे। अब देखिए जो है कंपनी की परफॉर्मेंस कहाँ पे आ चुकी है, प्लस में आ चुकी है। यहाँ पे आपको दिखेगा 6.05 हो चुका है प्लस में। मार्केट कैपिटल 400 बिलियन से उस टाइम पे थी 400 बिलियन के अराउंड, ये देखिए 400 बिलियन के अराउंड थी और अभी करंट मार्केट कैपिटल जो है वो 900 से भी ऊपर हो रखी है। तो आप समझ सकते हैं डबल भी हो चुकी है और उससे ज़्यादा भी है। तो यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड किया है, लास्ट टाइम पे अभी 2 रुपये के अराउंड का था, अभी हाल फिलहाल में ही दिया था। और मतलब डिविडेंड पे तो अभी पेमेंट आई नहीं है अकाउंट में क्योंकि उसका 30 सितंबर को आनी है, पर हाँ 2 रुपये को दिया था। ठीक है ट्रेस, तो इस हिसाब से इसका डिविडेंड भी रहा, प्राइस अर्निंग रेशियो भी सही चल रहा है और कंपनी जो है ये देखिए अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है 356 रुपीज़ का और 400 पे पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी रैली है आज की, देखिए 30 रुपये तक की रैली थी तो ये काफ़ी शानदार मूवमेंट के साथ भी रहा है। ट्रेंड की बात करें ट्रेस, तो अगर आपको ईयरली पे देखा जाए तो 167% का कंपनी ने यहाँ पे रिटर्न भी प्रोवाइड कर दिया है। एवरेज वैल्यूम की बात करें स्ट्रांगली काफी तगड़ा 17 मिलियन का चल रहा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 3 लाख से ज्यादा लोग होल्ड करके चल रहे हैं। कंपनी परफॉर्मेंस में सही कंपनियों को जो है रियल इस्टेट डेवलपमेंट है मात दे रही है, परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़ा इनका बिजनेस इस टाइम पे रन कर रहा है। तो अब फाइनेंशियल का इंडियन रुपीज में अपडेट ले लेते हैं। तो मार्केट कैपिटल अब देखिए ट्रेड्स 91,351 करोड़ की है, मतलब ये 1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटल करने के क्लोज है, काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए आपको ये दिखेगा यहाँ पे 1 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटल को काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच गई है कंपनी, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा नंबर होता है 1 ट्रिलियन, उसके अराउंड पहुँच रखी है। हाई ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो 1225 तक गया है, फेस वैल्यू 2 है तो मतलब स्प्लिट हुआ होगा उसके बाद का जो पहले का प्राइस है। ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग करेंटली 75% है, अच्छी खासी होल्डिंग है। कंपनी देखिए जब फाउंड की गई थी अपने देश आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले से 1946 में, और तब से ये अपने जो रियल इस्टेट डेवलपमेंट का है काम कर रही है। यहाँ पे ROE की बात करें तो पिछले 12 महीने में 3.13 रहा है, मतलब ये सराहनीय ने मतलब तगड़े नंबर नहीं रहे हैं, पर यहाँ पे आपको दिखेगा कि पिछले 12 महीने में जो प्रॉफिट है अब वो 157% है। सेल जो है पिछले 12 महीने 13.3% है। जून के नंबर ढीले थे तो आपको इसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, अप्रैल और मई मंथ अच्छा नहीं गया था कोविड सिचुएशन की वजह से, वहीं उसी के कारण जो सेल है बेहतर नहीं थी, पर ऑलरेडी और बाकी चीज़ों की परफॉर्मेंस देखिए तो अच्छी आ जाती है, कोई दिक्कत यहाँ पे कंपनी से नहीं नज़र आती है। यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव है और बेहतरीन, काफ़ी मतलब एक तरीके से देखा जाए ट्रेस तो ये बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट रही है इसकी। अगर इसको पॉजिटिव वे में ले तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव ही नज़र आता है क्योंकि अपवर्ड ही रहा है शेयर कंडीशन में, कंपनी इस टाइम पे ग्रो कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी प्रोकॉन्स पे देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ 28.99% बढ़ी है, बुक वैल्यू से ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। सेल ग्रोथ का अब ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि अब जो है कंडीशन बेहतर है। ROE ये थोड़ा दिक्कत वाला है क्योंकि अभी करंटली भी ROE जो है इसका 3.13 है, पहले से बेहतर तो हुआ है पर स्टिल ये छोटे नंबर है, पर कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बड़ी है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे टॉप पे आ जाती है मार्केट कैपिटल के साथ, 1 ट्रिलियन जल्दी ही क्रॉस कर लेगी तो काफ़ी बड़ा नंबर होता है कंपनियों के लिए और वो काफ़ी बेहतरीन दिखता भी है। फिर
और इसके प्रॉफिट लॉस के नजर डालें ट्रेस तो बहुत बेहतरीन चल रहा है इसका। मार्च 2021 अच्छा नहीं बीता था, ये कोविड से पहले वाला ईयर का है, क्योंकि इसमें आपको दिखेगा कंपनी को टैक्स जो नंबर थे वो काफी बड़े पे करने पड़े थे उसकी वजह से, पर ऑल बाकी कंडीशन देखी जाए तो वो बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो लास्ट टाइम का अच्छा नहीं रहा था क्योंकि कोविड के क्राइसिस थे, उस सिचुएशन अच्छी नहीं थी, पर उसको कोविड को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट टू जो कैश फ्लो रहा है वो भी अच्छा नहीं रहा। पर रियल इस्टेट डेवलपमेंट की कंपनी है तो आपको पता है जो कैश का जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, लेट हो जाता है, क्योंकि देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ही है, तो ये चीज आपको जानने वाली है। रेशियोज पे बात करें, रेशियोज अच्छे नजर आते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बेहतरीन है क्योंकि प्रमोटर्स की देखिए काफी अच्छी है, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर की बहुत बेहतरीन है, पब्लिक की बस 5.5 है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी स्ट्रांग नजर आता है। चार्ट पे बात कर लेते हैं, अगर आपको इस पे बाई करना है तो आप इसमें बाई करने के लिए, क्योंकि लगातार दो दिन से काफी स्ट्रांग बाइंग रही है, मतलब 300 आप इसको देखिए 323 से अभी 400 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। तो आप इसको ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया है तो आप ब्रेकआउट लेवल के अराउंड 350 जो 355 के अराउंड नजर आता है उस पर भी बाई कर सकते हैं, और आप करंट वैल्यू पे अगर बाई करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आप कम वैल्यूम में ही बाई करें, क्योंकि इसमें जब रीसेट मतलब करेक्शन आएगी तो आपको एक अच्छी डिप के साथ सही प्राइस पे मिल जाएगा, वहां से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और आपका लॉन्ग व्यू है तो आपको इसमें जरूर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रियल इस्टेट में ये अपने इंडिया में बहुत अच्छा इस टाइम में बिजनेस कर रही है। यही था DLF पे अपडेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।